Date 27th August 2020, Class 8, subject maths, topic understanding quadrilaterals, chapter 3, exercise 3.3. Date 27th August 2020, Class 8, subject maths, topic understanding quadrilaterals, Chapter 3, exercise 3.3. Date 27th August 2020, Class 8, subject maths, topic understanding quadrilaterals, Chapter 3, exercise 3.3. exercise में parallelogram से related है. Parallelogram भी होते हैं जिसकी opposite sides equivalent parallel to each other and opposite angles are equal to each other. Parallelogram में क्या होता है, इसके opposite sides, parallelogram में opposite sides are equivalent parallel to each other, opposite angles is also equal to each other and diagonal bisect each other. इसके diagonal जो होते हैं एक दूसरे को bisect भी करते हैं, bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसमें क्या होता है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस AO इक्वल टू OC. अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये सदा इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम में होता है. और दूसरी बात ये है कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं वो 360 के इक्वल होते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3.3 आप देख लो एक बार. ये है ए बी सी डी, मैं दिखाया गिवेन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड.
AD इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है इसका AD जो है वो BC आप यहाँ नोट करें अपोजिट parallelogram ABCD second part is the angle DCB BCB angle BAD यानी हो गया अपोजिट एंगल parallelogram ABCD ये अपोजिट एंगल है थर्ड पार्ट इसका जो थर्ड पार्ट है OC इक्वल टू डायगनल ACNBD बाइसेक्ट ईच फोर्थ पार्ट मेजरमेंट एंगल DAB प्लस CDA CDA DAB CDA ऐसे आप लिख सकते हो ये पूरा हो गया आपका इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट्स है अब क्वेश्चन नंबर टू है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड इन पैरेललोग्राम को देखो और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना first part
ये है पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक एंगल 100 का है, बाकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला तरीको गेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स है डिग्री आ गया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 100 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री और एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। हंड्रेड 80 डिग्री 80 डिग्री, ये तो है केवल फर्स्ट पार्ट, इसी एक पार्ट का आंसर है ये। इसमें इसी तरह फाइव पार्ट है, इस तरह इसमें टोटल फाइव पार्ट है। अब इसके थर्ड पार्ट एक बार देखो, ये ऐसे बना हुआ है,
कैसे दिया गया 90 ना आप जो आपकी मर्जी है XY XY ये दिया हुआ है फाइंड करना है सिंपल है जब ये 90 का है पैरेललोग्राम है वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल इन ट्रायंगल एस ओ आर वी गेट एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी एस की जगह पे वाई आर की जगह पे थर्टी ओ की जगह पे 90 एंगल वाई प्लस 120 डिग्री और 80 डिग्री एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू एंगल y एंगल x हो गया अब एंगल z एंगल z SR is parallel to PQ and SQ is transversal. Angle Y equal to angle X. ये तीनों आंसर है इसके वो भी है थर्ड पार्ट के इसी तरह
इसके और पार्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाहर का जो एंगल होता है या तो उसे एक्सटीरियर कर लो या उसके साथ वाला जो एंगल है वो दोनों आपस में लीनियर पेयर बनाते हैं, तो लीनियर पेयर से भी आप है इसे कर लेना। एंगल टू और एंगल फोर है बिल्कुल एक जैसा ही है। तो इन्हें लीनियर पेयर का हेल्प लेके आप कर सकते हैं, या अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एक्स पता लग जाएगा, तो जेड हो जाएगा पता लग जाएगा एक मिनट में। सेकेंड पार्ट बता देते हैं आपको, आप इसका नाम अपनी मर्जी से रख सकते हो। इन पैरालेलोग्राम एंगल वाई एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू 130 डिग्री।
30, 130 एंड 130, सारे 130 डिग्री के हो गए। तो बी पार्ट में सभी 130 डिग्री के हो गए। थ्री पॉइंट थ्री तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन के सारे पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसके सभी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर है 1 एंड 2 कंप्लीट चाहिए। इसके बाकी पार्ट भी आप कर लोगे। थ्री तो मैंने कर ही दिया है, केवल आपने दो ही करना है, तो इसका ध्यान रखोगे। सबसे पहला काम तो यह है कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आप कर सकते हो, अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी ना, फिर मुश्किल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मैं सारे अच्छी तरह करें, तो आपको 3.3 एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, फिर आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इसका विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी ना, तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए आपको, फिर आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मुश्किल होगा सोल्व करने में। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट होना चाहिए आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप अच्छी तरह से सोल्व कर लेना, जरूर करना है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चैप्टर 3 का, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इसे अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 1 तो कंप्लीट ही है, 2 के 3 पार्ट्स कर दिए, 2 के केवल आपको करना है 2 ही पार्ट्स, तो उन्हें अच्छी तरह कर लेना।